हाथ में एक बॉटल है और फिर इस बॉटल में आप लोग शराब तो बिल्कुल मत समझना, क्योंकि ये मुंह में पानी डाला जाता है ना भाई, मुंह से फूंक लिया गया मंटू का मुंह से। मंटू कैसा फूंका भाई? गाय है और इधर साइड एकदम खाली खाली से खाली खाली से ऊपर देखो, एकदम पिलर पिलर की तरह ऊपर ऊपर की तरह स्लाइड करके दिया हुआ है ना। फाइनली गाइस, यहाँ से अभी अपने को सुई पहाड़ जो भी है घाटी है वो अपने को क्रॉस करनी है, क्योंकि कैसे भी क्रॉस कर लेंगे ना 6 बजे तक। दूसरा फोन लेने वाले हैं, अपना कुछ अर्निंग यूट्यूब का आ चुका है जिसको कि अपन लोग बहुत ही जल्द बैंक से निकालने वाले, तो उसके दिन में सही है बट नाइट में इधर समझ रहे हो ना, एरिया देख रहे हो ना भाई, एरिया आप लोग देख लो ना, तो नाइट में कुछ ये देखो, ये खाना है दाल सब्जी चावल। 9:30 बज चुका है, घर जाते जाते कितना टाइम लगेगा यार, सोचो यार। तो लिटरली गाइस काफ़ी ज़्यादा थकान हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा थकान गाइस। तो ये बजरंगबली का मंदिर है, जय श्री राम। अपन लोग यहीं पे बाइक रोके हैं क्योंकि जय श्री राम गाइस, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे वीडियो देख रहे होंगे। सो गाइस, अभी अपन लोग देवघर में है और देवघर से अभी अपन लोग डायरेक्ट बिहार शरीफ की तरफ जा रहे हैं। तो देवघर से बिहार शरीफ की तरफ का डिस्टेंस आप लोग मानो ना तो 250 किलोमीटर है और अपने पास R15 बाइक है। तो अभी का टाइम मानो तो 4 बज रही है और 4 बजे अपन लोग निकल रहे हैं देवघर से बिहार की तरफ, बिहार शरीफ की तरफ बाई रोड विथ R15 बाइक अपना। तो अपन लोग यहाँ से निकलेंगे 250 किलोमीटर, मतलब मान लो ना भाई अपने को कितना टाइम लग सकती है, अगर 50-60-70 का स्पीड में चलेंगे ना, तो नहीं भी मानो तो 5-6 घंटा लगेगी अपने को। ये मेरा हाथ में क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ वीडियो के अंदर। फाइनली गाइस, ये देख रहे हो मेरा बॉटल, मेरा हाथ में एक बॉटल है और फिर इस बॉटल में आप लोग शराब तो बिल्कुल मत समझना, क्योंकि ये पेट्रोल है, क्योंकि अपने पास मिनी एलिफेंट है भाई, इसको छोटा हाथी बोल सकते हैं अपना R15 को, जिसको राइड कर रहा है मंटू। और अभी अपन लोग देवघर में, जैसा कि देख सकते हो बोर्ड ऊपर के साइड बजरंगबली का जय श्री राम। तो अपन लोग यहाँ से निकलने वाले भी थे R15 बाइक से, अपन लोग फुल टैंक कर चुके हैं, लेकिन बाइक जब स्पीड चलेगी ना तो भाई तेल तो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म होगा ना, इसके कारण से अपन लोग इसमें सेफ्टी के लिए तेल ज़्यादा ले लिए कि कहीं इधर उधर ख़त्म हो गया तो कोई ऑप्शन नहीं, इसको ढुला के नहीं लेके जा सकते, धक्का देंगे, क्योंकि गाड़ी का वेट कितना होता है आपको पता है। तो इसी कारण से एक बॉटल फुल कर लिए अपन लोग, इसमें 200 का पूरे तेल लिए, इतना सारा भर गया भाई। तो सो फाइनली गाइस, अभी अपन लोग निकले और जस्ट देखो अपन लोग पीछे ही तेल भराए थे और उसके जस्ट आगे ये देखो एक और पेट्रोल पंप मिल गया। लाइक इधर ना झारखंड में ना हर, मतलब मेरे को ना हर 1 किलोमीटर पे ना एक पेट्रोल पंप मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छा, और सारा बिहार का गाड़ी है गाइस, क्योंकि बिहार में पेट्रोल पंप का रेट कितना है, पेट्रोल का रेट कितना है ये आपको भी पता है बिहार में कितना। फाइनली गाइस, अभी अपन लोग झारखंड को छोड़ने वाले यार, सिट मतलब यार कितना मेहनत से अपन लोग आए थे देवघर और फिर अभी अपन लोग झारखंड को छोड़ के अपना बिहार में जा रहे हैं गाइस। तो ये देखो, धन्यवाद पुनः पधारे। तो मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा झारखंड जरूर एक बार फिर से आऊँगा, क्योंकि मेरे को झारखंड में वो वाली नेचर वाली फीलिंग्स मिली, प्लस बाबा को देखो कितना मस्त वाले बैठे हैं बिल्कुल बॉर्डर पे ही, और अपना बिहार वहाँ से स्टार्ट होती है, लाइक देख सकते हो भाई। हाँ यार, अपना बॉर्डर का सुरक्षा कर रहा है बाबा तो भाई तो चलो कोई ना भाई, पेड़ पे। तो फाइनली गाइज, हम लोगों ने अभी बॉर्डर क्रॉस कर लिया है और फिर यहाँ पे जोरों शोरों से चेकिंग चल रही है गाइज, बहुत ही ज़ोरदार तरीके से अब लोग को रोका गया और मुँह में पानी डाला जाता है ना भाई, मुँह से फूंक लिया गया मंटू का मुँह से। मंटू कैसा फूंका भाई? फूंका भाई। हम लोगों ने ड्रिंक नहीं किया क्योंकि आप लोगों को पता है मैं कोई भी नशा नहीं करता हूँ, कोई भी नशा नहीं करता हूँ वीडियो बनाना स्पेशली, बट फिर भी यार भाई जो रूल है वो लोग, ये लोग फॉलो करते हैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट वे में फॉलो करते हैं, सही है भाई, बंद है तो बंद रहना चाहिए ना यार। फाइनली गाइज, इधर का सीन ना मेरे को और भी ज़्यादा डिसेंट लग रहा है, एकदम बहुत ही प्यारा, सामने की साइड देख रहा हूँ कितना प्यारा प्यारा सा सीन आ रहा है भाई। गाय भैंस इधर है, गाय है और इधर साइड एकदम खाली खाली से खाली खाली से ऊपर देखो, एकदम पिलर पिलर की तरह ऊपर ऊपर की तरह स्लाइड करके दिया हुआ है ना, वो वाली काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। ये वाला सीन ना भाई, मैं बहुत ही अच्छा अच्छा जगह पे गया हूँ लेकिन ऐसा सीन अच्छा अच्छा मैंने नहीं देखा, जैसा मैंने झारखंड में सीन देखा ना, जो जो सीन वो भाई मतलब बाहर में नहीं देखने को मिलता है ऐसा ऐसा सीन, प्लस हम दोनों का देखो गाइस परछाई।
गाइस इधर का सीन देखो यार भाई, ये सीन तो और भी गजब का लग रहा है। देख रहे हो खेत खेत एकदम डिवाइड करके रखा है। हम लोग इधर तो आरी पड़ता है ना, तो थोड़ा थोड़ा चौड़ा देता है, लेकिन इधर तो भाई मतलब ऊंचा ऊंचा करके आरी क्यारी टाइप का डिवाइड किया हुआ है। प्लस इधर का मिट्टी देखो ना, आगे की साइड जो स्टोन वाली है ना, वो थोड़ा रेड रेड है क्योंकि पहाड़ी जोन में आती है ना। प्लस देखो सारे लोग बाबा धाम कैसे जा रहे हैं भाई, सारा भी बंगाली का बाबा धाम जाने का यात्रा चल रहा है, इसीलिए सारे लोग जा रहे हैं बंगाली लोग। प्लस ये वीडियो देखो कब आती है, वो तो भाई आपको पता चली जाएगा ये वीडियो कब पोस्ट होगी। तो अभी तो फिलहाल अपन लोग 21 तारीख को बना रहे हैं वीडियो, लेकिन पोस्ट कब होगी ये आप लोग खुद वीडियो में देख लोगे। प्लस उधर की साइड देखो ना, तो एकदम जंगल जंगल की तरह, और अभी ना जंगल स्टार्ट होने को है, लाइक बहुत ही मस्त वाला सीनरी आता है इस जंगल में ना, वीडियो काफ़ी मस्त बनता है। तो अभी अपन लोग ना जंगल में एंट्री लेने वाले हैं, और ये वाला जंगल ना मेरे को काफ़ी ना पसंद आता है, तो इसी कारण से यही जंगल से अपन लोग मस्त मस्त वाला वीडियो आपको दिखाएंगे, नज़ारा दिखाएंगे। तो चलो चलते जंगल के थ्रू, जंगल होते हुए अपन लोग बिहार के रास्ते। गाइस ये देखो, ये चादन बाजार है, चादन बाजार है गाइस। और यहाँ का बाजार थोड़ा सा मेरे को छोटा लगा, बट फिर भी बाजार के नाम से है तो बाजार बड़ा होना चाहिए था, लेकिन बहुत ही छोटा मेरे को बाजार लगा। तो यहाँ से अभी अपने को सुई पहाड़ जो भी है घाटी है वो अपने को क्रॉस करनी है, क्योंकि कैसे भी क्रॉस कर लेंगे ना 6 बजे तक तो ज़्यादा सही रहेगा, वरना लेट होगी तो समझ ही सकते हो घाटी क्रॉस करना मतलब कितना डिफिकल्टीज फेस करना होता है। तो अभी अपन लोग जल्दी से चलते हैं घाटी पार करते, फिर भूख लगी है काफ़ी जोड़ों की गाइस, तो खाना पीना खाएंगे कुछ और फिर आगे का टूर करेंगे गाइस। सीन देखो यार, मतलब सारा गाय एकदम, सारा बकरियाँ एकदम मस्त वाला यार, नेचर का एकदम मस्त वाला सीन आ रहा है। देख रहे हो सारा गाय और बकरियां एकदम चर रही है घास पूरे खुलासा में, अच्छा लग रहा है ना देखने में एकदम, क्या ब्यूटीफुल सा सीन आ रहा है भाई। देखे ना भाई गाय और बकरियां यार, मतलब ये वाला नेचर ना मैं काफी दिनों से नहीं देखा था, लाइक जब मैं देवघर जा रहा था ना उस टाइम थोड़ा बहुत दिखी थी बट उतना नहीं दिखा था, लेकिन अभी का नेचर ना इतना मस्त लग रहा है ना, गाय प्लस बकरियां प्लस जो लैंड होता है ना, जैसा जो बोलते ना स्वर्ग का मार्ग देख रहे हो, उस लेवल का गाइस देखने को मिलता है ऐसा नेचर में। तो क्या ही बोल सकते भाई, बस आप लोग इंजॉय करना अभी शॉर्ट्स का। फाइनली गाइस अभी अपन लोग कटोरिया के आगे आ चुके हैं, लाइक सुइया बहुत ही आगे आ चुके हैं, सुइया पहाड़ क्रॉस करने वाले हैं, उसके बाद एक और पहाड़ आएगा, उसके बाद घाटी टाइप का मतलब क्रॉस हो जाएगी। तो लमसन अभी 5:30 हो रखा, सूरज का रोशनी तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, प्लस अपना कैमरा का क्वालिटी भी आपको दिख ही रहा होगा, गाइस किस तरीके का बेकार का क्वालिटी है, बट फिर भी यार सपोर्ट करते हो तो सपोर्ट कर देना, क्योंकि अपन लोग दूसरा फ़ोन लेने वाले हैं, अपना कुछ अर्निंग यूट्यूब का आ चुका है जिसको कि अपन लोग बहुत ही जल्द बैंक से निकालने वाले, तो उसका भी अपन लोग एक नया ब्लॉग लाएंगे, अपन लोग पैसे निकालेंगे ना यूट्यूब से, उसका भी ब्लॉग लाएंगे और कितना पैसा आएगा आप लोग गेस करके बताना यूट्यूब से। देख रहे हो ये वाली सीन, ये वाला सीन कितना मस्त लग रहा है ना, ऊपर से एकदम हॉरर मूवी टाइप का एकदम ढोल का हो, दौड़ का हो पाँव के इधर कहीं पेड़ पे छिप जाओ, नाइट का टाइम ना काफ़ी भयानक वाला इधर का सीन आता है यार, कुछ ही बोलो गाइस बहुत ही भयानक वाला सीन आता है। और इधर का सीनरी तो और भी मस्त लग रहा है सीन, प्लस ये अपना R15 और तेल अपना देखो भाई, एक बॉटल पूरा का पूरा रखा हुआ है। सो गाइस ये चेक करो यार, क्या मस्त लग रहा है ना एकदम। और अभी कौन सा लोकेशन पे मेरे को नाम नहीं पता, लेकिन यार जो भी हो लोकेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही मस्त लग रहा है। प्लस उधर एकदम दूर में देखो ना लास्ट में एकदम चट्टान के पास भाई, तो उधर सारे लोग बैट बॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, और इधर का देखो ना जा रहा भाई, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है ना कि बता ही नहीं सकते भाई, इतना अच्छा लग रहा है भाई लोकेशन एकदम। देख रहे हो लोग कैसे क्रॉस कर रहे हैं बाइक लेके भाई, बोला यहाँ पे थोड़ा सा भी स्लो नहीं, सारे लोग फास्ट में ही जाते हैं। नाइट का टाइम है तो भाई मतलब बाइक रोकना इधर बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है, तो बाइक मत रोकना है सब जगह नाइट में अगर कोई ट्रैवलिंग करोगे तो, क्योंकि दिन में सही है बट नाइट में इधर समझ रहे हो ना, एरिया देख रहे हो ना भाई, एरिया आप लोग देख लो ना, तो नाइट में कुछ भी हो सकता है। सो कृपया करके नाइट में बाइक रोकने का कोशिश ना करें, और 4-व्हीलर भी नहीं रोके भाई। सो गाइस देख सकते हो यार इधर का लोकेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ से ना अपन लोग नीचे उतरने वाले, नीचे की साइड जाने वाले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊपर से आए, लाइक देख सकते हो इधर से ऊपर से आए थे, वो 4-व्हीलर जा रही है ना, उधर से ही अपन लोग आए थे और अभी नीचे की साइड जा रहे हैं अपन लोग।
फाइनली गाइस अभी अपन लोग साहबगंज आ चुके और अपन लोग एक होटल में आए क्योंकि भूख लगी है ना काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे खाना पीना खाते हैं, दाल चावल सब्जी भुजिया जो भी आएगा एक प्लेट थाली में वो बोले खाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे अपन लोग क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है और 6 बजने वाली है। तो यहीं अपन लोग खाने वाले हैं, अभी खाना छोटा है बट फिर भी यार बहुत अच्छा है क्योंकि छोटा में ही ज़्यादा अच्छा खाना मिलता है यार, बड़ा में तो अच्छा खाना मिलता भी नहीं है। क्या चाचा कैसे हैं? तो चलिए अभी अपन लोग खाना खाते हैं उसके बाद यहाँ से निकलते हैं गाइस क्योंकि 6 बजने वाला है, टाइम अप्रोक्स 6 बज चुका है। तो यहीं पे बैठेंगे। मंटू आ जा अंदर। ये देखो ये खाना है, दाल सब्जी चावल पापड़ और ये देखो भुजिया, आलू और परवल का भुजिया जो कि काफ़ी अच्छा है। इतना अच्छा ना मेरे को खाना कहीं वहाँ पे नहीं मिला था देश भर में, जितना अच्छा यहाँ पे दिखने में लग रहा है बट खाने में देखते कितना टेस्टी है। तो फाइनली गाइस अभी अपन लोग खाना पीना खा के निकले हैं और इधर का सनसेट देखो गाइस, जो सूर्य भगवान डूब रहे हैं ना नीचे के साइड, ये वाली ना मैं काफ़ी दिनों से देखने के लिए सोच रहा था लेकिन ऐसा एरिया है ना भाई, ये देखना खुद में एक लकी वाला किस्मत वाला काम होती है गाइस। तो मैं देख रहा हूँ भाई, देख सकते हो आप लोग भी, प्लस इधर की साइड देखो एरिया भाई, मतलब ये सब घास या फिर कुछ और भी नहीं पता चल रहा है, बट इधर की साइड देखो धान रोपा चुका है। उसको उखाड़ निकालने का जब बड़ा बड़ा हो जाएगा ना थोड़ा बहुत, एक एक बित्ता का इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा ना, उसको निकाल के फिर एक खेत में वो लोग बुनते हैं। तो ये होता है, प्लस इधर का लोकेशन चेक करो गाइस, अभी 6:30 हो रहा है। तो गाइस ये देखो यार, अभी अपन लोग जमुई से काफ़ी दूर है लेकिन ऊपर पहाड़ की तरफ देखो शंकर जी का एक मंदिर है, वो भी भाई एकदम चोटी पे दिख रहा है, एकदम एक बड़ा सा पत्थर है ना उसी पे सिर्फ एक मंदिर बना हुआ, वो भी शंकर जी का मंदिर है भाई। मतलब मैं देखा ना तो लिटरली मैं शॉक हो गया यार कि ऐसे कैसे भाई, मतलब एकदम अचानक से सिर्फ एक टिल्ला पे वो मंदिर बना हुआ है, बस एक ही पे। आप लोग सोच सकते हो यार कितना भयानक मंदिर बना हुआ है वो। और फिर अपन लोग बस ऐसे ही जा रहे थे, इधर से क्रॉस किए फिर दिखा यार कि शंकर जी का बहुत ही बड़ा वाला मंदिर है, तो मैंने सोचा यार चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं। बट शाम काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, रात भी हो रही है और मेरे को नहीं लगता है कि अपन लोग बिहार शरीफ नालंदा ज़िला पहुंच पाएंगे जिस तरीके से अपन लोग जा रहे हैं। तो मेरे से ख्याल से मेरे को लगता है जमुई में ही रूम लेके रुकना पड़ेगा और शंकर जी को देखो गाइस। तो अपन लोग को लग रहा ना कि जमुई में ही रुकना पड़ेगा क्योंकि जो स्पीड से जा रहे हैं ना पहुँच ही नहीं पा रहे हैं गाइस, तो रात में ट्रैवलिंग समझ सकते हो कितना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जिधर अपन लोग जा रहे हैं। बट अगर नवादा पहुंच गए ना तो वहां से पहुंचना काफ़ी इजी हो जाएगा, हालांकि है 70-80 किलोमीटर वहां से लेकिन फिर भी काफ़ी इजी हो जाएगा, लेकिन क्या ही बोले भाई। और ये अपना बाइक जो कि काफ़ी ज़्यादा चल चुका है। सो गाइस जैसा कि देख सकते हो अभी अपन लोग गंगटा मोड़ पे हैं, यहाँ पे देख रहे हो ना बोर्ड पे गंगटा मोड़, और यहाँ से अपने को लेफ्ट लेना है, लेफ्ट 10 किलोमीटर भाई पूरा जंगल में चलना है। सो कुछ लोग बोले हैं यहाँ पे कि जंगल में ना कोई भी हाथ दे तो रोकना नहीं, बस अपने को 10 किलोमीटर चलना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होने को हो भी चुका है, अंधेरा अभी 7 बज रहा है तो सोचो यार अंधेरा तो हो ही चुका है। तो अभी अपन लोग यहाँ से निकलते हैं, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रखा है, बस सही से अपन लोग पहुँच जाए उसके बाद आपसे डायरेक्ट मिलते हैं जमुई में गाइस। तो अभी जमुई जा रहा है, तो जमुई पहुँचने के लिए अपने को गंगटा मोड़ से कम 10 किलोमीटर जंगल क्रॉस करनी है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, बस बाइक अपने को नहीं रोकनी है, कहीं भी नहीं रोकनी है, बस 60-70 जितना स्पीड जा सकते हो ना उतना जा सकते हैं क्योंकि इधर का लोग बोलते हैं उधर लूटने वाला बहुत होता है। तो यार अब अपना मुंगेर से जमुई की तरफ जा रहे हैं और ये रोड बहुत खतरनाक है, सिंगल रोड है और लगभग 10 किलोमीटर अपना जो पहाड़ी एरिया है उसको जंगल बोलते हैं उसको क्रॉस करना पड़ता है और वो एरिया बहुत ही डेंजर होता है। लगभग रात को 7 बज गया अभी, उसके बाद लगभग 15-20 मिनट उसको पार करने में लग जाएगा और खतरनाक जंगली जानवर हो सकता है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है अपने को, इसलिए हम अपनी सावधानी को बरतते हुए पार करेंगे, ठीक है बकाज। सो गाइस जैसा कि देख सकते हो यार मात्र सिंगल लेन ये रोड है, उसी में ट्रक भी चल रही है, बहुत सारा व्हीकल्स आ भी रही है जा भी रही है, आने वाली और जाने वाली दोनों एक ही रूट है। प्लस इधर के साइड ना दोनों तरफ देखो ना तो एकदम बहुत ही डेंजरस वाला रात का सीन हो जाता है रात में, क्योंकि इधर के साइड ना दोनों तरफ कहीं से भी कुछ लोग छिपे हुए होते हैं प्लस हाथ देते हैं रोकने के लिए, अगर रोक दिए ना तो भाई उसी टाइम तुम्हारा मान लो कि कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसमें रोकना नहीं है, बस अपने को जाते जाना, यहाँ के लोग ऐसा हम लोग को बोले हैं अभी। तो फाइनली गाइस अपन लोग पहुँच गए जमुई और फिर ये लक्ष्मीपुर बाज़ार है, लक्ष्मी नगर या फिर लक्ष्मीपुर शायद वही लक्ष्मीपुर बाज़ार है,
लाइक पीछे के साइड से ही बाजार था, लेकिन अभी आगे आ गया। मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा ना भाई, क्या ही बोल सकते भाई, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा। बट फाइनली स्टिल प्रॉब्लम फेस करने के बावजूद भी अपन लोग यहाँ पे आ गए। तो फाइनली गाइज अभी अपन लोग सिकंदरा पहुँचे। लाइक अभी यहाँ से आगे जाएंगे, यहाँ से 65 किलोमीटर बिहार शरीफ है। तो अभी यहाँ पे मोमोज खाएं और अपना बाइक यहाँ पे, पेट्रोल तो बिल्कुल बचा ही है भाई। अभी 65 किलोमीटर और चलेंगे, 65 से 70, फिर अपना बिहार शरीफ आएगा। तो अभी देखते हैं क्या सीन होता, कितना टाइम बचता है। अभी तो 9 बज रहा है, जाते जाते 11-12 बज जाएगा आराम से। सो गाइज अभी शेखपुरा एंट्री लिए, 9:30 बज चुका है। घर जाते जाते कितना टाइम लगेगा यार, सोचो यार, अपन लोग बहुत यार थक चुके हैं। लाइक कंटिन्यू 250-300 किलोमीटर गाड़ी चलाना, मतलब समझ रहे हो अभी R15 प्लस। देखो उतर के अपन लोग फ़ोन के साथ क्या कर रहे हैं मंडू, और ये बॉटल है ना, इसके साथ कुछ बहुत ही स्पेशल वाला कांड होने वाला, कांड नहीं बोल सकते, बहुत ही स्पेशल वाला प्रैंक होगा। तो उसका भी वीडियो अपन लोग घर जाने के बाद लाएंगे, किसके साथ प्रैंक करेंगे वो भी जब वीडियो बनाएंगे ना उस टाइम पता चलेगा आप लोगों को। क्योंकि ये बॉटल किसके ऐसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताओ, क्या लग रहा है आप, लग रहा ना कि हाँ लाल पानी है, लाइक दारू है, ऐसा लग रहा है ना, तो प्रैंक होने वाला है गाइज। तो चलो कोई ना, अभी तो फिलहाल 2-4 मिनट। तो देखो भाई, हम लोग अब शेखपुरा के और बरेबीघा के बीच में जाम में फंसे हुए हैं, बहुत भारी जाम। पीछे करीब 2 किलोमीटर पहले से जाम हम लगा हुआ है, और आगे कहाँ तक जाम लगा हुआ जो हमें पता नहीं है, वो आगे जाने पर पता लगेगा। बहुत भारी जाम है, दोनों तरफ से जाम है। जो थरपा सिंगल, ये तो रोड सिंगल है, उसके बाद ट्रक गाड़ी फोर व्हीलर दोनों तरफ से, मतलब थ्री लेन रोड के नीचे भी गाड़ी, क्या करेगा। बहुत लंबा जाम है भाई, बहुत लंबा। तो लिटरली गाइज काफ़ी ज़्यादा थकान हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा थकान गाइज, काफ़ी ज़्यादा एकदम ओवर थकान हो चुका है। हाथ का तो गाइज मतलब बेहाल हो गया। सो क्या ही बोल सकते, अभी यहाँ से तकरीबन नई भी मानो तो 30 किलोमीटर होगा, अराउंड 25 और 30 के आसपास होगा, 30 किलोमीटर मान लो, 25 से 30 किलोमीटर होगा। तो अभी देखते, नहीं यार 25 से 30 किलोमीटर नहीं, सॉरी 10 से 15 किलोमीटर है ना, तो 10 से 15 किलोमीटर और होगा अभी। लेकिन अपना हालत इतना ख़राब हो चुका है ना कि बार बार रुकना पड़ रहा है। और अभी अपन लोग बेनार के पास पहुँचे हैं, देख सकते हो गाइस ये बेनार है, बेनार उधर के साइड, अंदर के साइड बेनार है। और ये कौन सा लोकेशन है, बेनार के बिल्कुल बाजू में एक मंदिर है, वहीं पे अपन लोग थोड़ा बहुत विश्राम कर रहे हैं। प्लस इतना ट्रक ओवरटेक कर रहा है ना, इतना धूल डस्ट उड़ा रहा है ना कि पूछो ही मत, बहुत ही ज़्यादा डस्ट उड़ा रहा है। बेनार का राम मंदिर, बेनार कैला मंदिर है ये। तो ये बजरंगवली का मंदिर है, जय श्री राम। अपन लोग यहीं पे बाइक रोके क्योंकि बजरंगवली माई फेवरेट गॉड। तो जय श्री राम, जय दुर्गा माता। और अभी अपन लोग यहाँ से घर जा रहे हैं, देखो बाइक भी पूरा भीग चुका है, धूल भी चुका, अपने को धोने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, धूल चुका है ऐसे ही। सो अभी घर की तरफ चलते हैं, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, देख सकते हो सारा कुछ बंद है, एकदम सारा कुछ बंद है भाई, क्योंकि 11 बज रहा है। तो फाइनली गाइज अभी 11 बज रहा है रात को, और इधर बारिश हो रहा है, लाइक देख सकते हो हेलमेट पूरा भीग चुका है, अब लोग पूरा भीग चुके हैं, ये देखो सारा भीगा हुआ है एकदम बारिश के कारण। तो नरकट पूरा पहुँचे ना, उधर से ही बारिश हो रही थी, बहुत ही तेज़ बारिश था, और पानी इतना उबड़ चुका था ना कि रोड पर जो गर्मी के कारण, जो गर्म होती है ना, तो पानी के कारण पूरा भाप ऊपर से निकल रहा था रोड पे, एकदम फॉग की तरह जमा हुआ था रोड पे। तो अभी तो अपन लोग पहुँचने वाले, लाइक पहुँच चुके हैं, यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर अंदर अपन लोग गाँव चले जाएँगे घर। तो सोच रहे हैं गाइस, अभी हनुमान जी का मंदिर के पास है, तो सोच रहे हैं अपन लोग यहाँ पर वीडियो को एंड करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुके प्लस भीगे हुए हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर गाइस।